नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीपक और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पॉली गुरु जी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि संधारित्र, जब एक साथ कई संधारित्र का प्रयोग करना हो तो उनको कैसा जोड़ा जाए। तो उनको जोड़ने की जो विधि है दिया कि यहाँ लिखा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स अर्थात संधारित्रों का संयोजन। तो उनको जोड़ने की दो विधि है, वो पहली विधि ये है। पहली विधि को हम लोग कहते हैं कि श्रेणी क्रम में। पहली किस विधि से हम जोड़ सकते हैं? तो उन सभी कैपेसिटर को जितने को जोड़ना हमें एक साथ, उन सब को हम श्रेणी क्रम में आसानी से जोड़ सकते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है। अर्थात इन सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो है वो है आपका समांतर क्रम संयोजन, अर्थात इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला किस क्रम में जोड़ सकते हैं? तो श्रेणी क्रम में। दूसरा समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। अब श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है तो वो देख लीजिए जरा। हम लोग बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देख लीजिए, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर ये हो गया आपका, ठीक है। एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक, और एक कैपेसिटर ये हो गया। हमने यहाँ तीन कैपेसिटर ले लिया, ये है C1, ये है C2, ये है C3। इन सबको एक दूसरे से जोड़ दिया और यहाँ एक हमने बिंदु ले लिया, या यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने मान लिया A, और इसको ले जा करके अर्थ से हमने कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया? अर्थ से, अर्थात अर्थिंग कर दिया उसको, ठीक है। अर्थ से कनेक्ट करने के बाद अब उसमें होता क्या है कि इसका एक सिरे पर, कैपेसिटर के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश और कैपेसिटर के दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश, फिर कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर के पहले सिरे पर प्लस क्यू आवेश, फिर दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश, फिर तीसरे कैपेसिटर के पहले सिरे पर प्लस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है। अब ऐसे ही अगला कैपेसिटर होता तो उसका प्लस। तो एक चीज देख लीजिए, इस बिंदु ए से कितना आवेश दिया जा रहा है तो क्यू। तो देखिए, सभी कैपेसिटरों में क्यू आवेश ही है, अर्थात आवेश का मान एक समान है। और हम जानते हैं संधारित्र की धारिता के सूत्र से कि ये होता है कि सी इजकल टू क्यू बाई भी। सूत्र क्या होता है? सी इजकल टू क्यू बाई भी। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर हमने मान लिया कोई बिंदु बी, तो ए से बी तक की जो विभव का मान है, विभवान्तर का मान है, वो कितना है? भी है। ए से बी तक के विभवान्तर का मान भी, और प्रत्येक कैपेसिटर का अलग अलग विभवान्तर होगा। तो इसका V1, इसका V2 और इसका V3। अर्थात हम ये कह दें कि यही भी कितने रूप में बट गया? तीन रूप में। अर्थात हम कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर एक, क्योंकि यही जो है वो तीन भागों में भी जो है वो बटा हुआ है, ठीक है। चूंकि हम संधारित्र, तो अब बात करते हैं कि पहले कैपेसिटर के लिए, किसके लिए बात करते हैं? पहले कैपेसिटर के लिए। तो पहले कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा कि C1 इज इक्वल टू क्यू आवेश वही है, कैपेसिटर का मान अलग है, कैपेसिटर के विभवान्तर का भी मान अलग है, वो कितना है? तो V1। फिर दूसरे के लिए, दूसरे कैपेसिटर के लिए, तो दूसरे कैपेसिटर के लिए हो जाएगा कि C2 इज इक्वल टू क्यू अपान V2। फिर तीसरे कैपेसिटर के लिए, तो तीसरे कैपेसिटर के लिए हो जाएगा कि C3 इज इक्वल टू क्यू अपान V3 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या इतना कह सकते हैं क्या कि V1 इज इक्वल टू क्यू अपान C1। यहाँ पे कह सकते हैं कि V2 इज इक्वल टू क्यू अपान C2। अब यहाँ से कह सकते हैं कि V3 इज इक्वल टू क्यू अपान
सी थ्री। अब कहेंगे कि सर ये क्यों किए हैं, तो ये इसलिए किए क्योंकि क्योंकि हमें किसका मान ज्ञात करना है, वी वन वी टू वी थ्री का मान ज्ञात करना है। अब ज्ञात हो गया वी वन वी टू वी थ्री का मान, तो क्या हम इन सब का मान उठा के यहाँ रख सकते हैं? और चूंकि हम जानते हैं कि यहाँ से एक और भी चीज कह सकते हैं, क्या कि वी इज इक्वल टू क्यू अपान सी, नहीं कह सकते हैं यहाँ से बिल्कुल? तो इसको उठा के यहाँ से एक समीकरण एक बार रख दीजिए, तो यहाँ लिख दिया जाए कि वी कामा वी वन कामा वी टू तथा वी थ्री का मान समीकरण एक में रखने पर। तो जब एक में रखेंगे तो होगा क्या, तो यहां हो जाएगा वी वन के जगह पे क्यू बाई सी, और आपका वी वन के जगह वी के जगह पे क्यू बाई सी, वी वन के जगह पे क्यू बाई सी वन, वी टू की जगह पे क्यू बाई सी टू, और वी थ्री की जगह पे क्यू बाई सी थ्री। क्या कटने वाला है, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ये होगा कि वन बाई सी इज इक्वल टू वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू प्लस वन बाई सी थ्री। यही होता है श्रेणी क्रम में संयोजन संधारित्रों का। जब एक सिरा से यहाँ से देंगे तो सब में आवेश वही जाएगा, अर्थात आप ही बताइए कि जब दो लोग किसी एक रास्ते पे जाएंगे तो वह दो ही लोग तो अंत तक उस रास्ते से मिलेंगे। जब वो रास्ता कहीं दो भाग में बटा हुआ तब ना अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से तो एक ही रास्ता जा रहा है, इसलिए एक ही रास्ता है तो एक ही आवेश यहाँ पर भी वही मिलेगा। कौन सा आवेश, तो क्यू आवेश मिलेगा, इसलिए इसमें आवेश का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में किसका मान नहीं बदलेगा, आवेश, आवेश अपरिवर्तित रहता है सभी संधारित्रों के लिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं समांतर क्रम में संयोजन के, तो पैरेलल संयोजन देख लीजिए। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद रखिएगा कि जितने कैपेसिटर लगे होंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने कैपेसिटर लगे होंगे सभी कैपेसिटरों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर तथा द्वितीय सिरा भी किसी दूसरे बिंदु पर ही जुड़े होंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। तो यहां से देख लीजिए, हमने मान लिया कि एक कैपेसिटर ये हो गया, ठीक है, यहां से हमने मान लिया दूसरा कैपेसिटर ये हो गया, और यहां से इधर मान लिया हमने कि तीसरा कैपेसिटर जो है वो ये हो गया। ठीक है, तीन हो गया। इसको हमने कितना मान लिया, C1, C2, C3, तीनों ने अलग अलग का मान लिया। हमने अभी अभी पिछले वीडियो में अपने अभी ये देखा श्रेणी क्रम में कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो दोनों सिराओं के जो बीच का विभव का मान होता है, दोनों सिराओं के बीच के विभव का जो मान होता है वो कितना होता है, तो भी होता है। तो अब देख लीजिए, दोनों सिराओं के बीच सी वन भी है, सी टू भी है, सी थ्री भी है, तो तीनों का तो विभव समान होगा ना, इसलिए तीनों का विभव का मान भी ही हो गया। अब एक बात बताइए जरा हमको कि जब इधर से हम चलेंगे कितना आवेश लेके, क्यू आवेश लेके, और इधर हमें कितना मिलना चाहिए, तो इधर भी हमने जो है इसको भी इसमें भी भूमिगत कर देते हैं, इधर भी हमें कितना आवेश मिलना चाहिए, तो क्यू ही मिलना चाहिए। तो अब बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे जो आवेश का मान है वो प्लस क्यू वन है, एक सिरे पे प्लस क्यू वन और दूसरे सिरे पे माइनस क्यू वन। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक सिरे पे प्लस होता है, दूसरे पे माइनस होता है, तो सब पे पहले आप प्लस माइनस लगा लीजिए, टेंशन फ्री हो गया। लगा लिया हमने, इसको वन, इसको टू और इसको थ्री कर दिया हमने, टेंशन फ्री हो गए। सी वन सी टू सी थ्री, और यहाँ पे जो है वो भी है। अब एक बात बताइए जरा हमको कि कैसे समांतर क्रम के परिभाषा देंगे, तो इसमें क्या कहेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने वाले संधारित्रों के सभी संधारित्रों के प्रथम सिरा किसी एक बिंदु पर एक ही साथ तथा द्वितीय सिरा सबका किसी एक बिंदु पर एक ही साथ जुड़ा होता है। अगर इस प्रकार से जुड़े संधारित्र हैं तो उनको ही समांतर क्रम में संयोजन कहते हैं। ठीक है, अब इसका सूत्र जरा देख लिया जाए, तो इसमें भी फिर वही चीज कि हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है Q बाई भी, C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई भी। ठीक, अब एक बात बताइए जरा कि यहाँ पे क्या बट रहा है,
पिछले वाले में क्या बटा था, तो भी बटा था, कितने भाग में, तीन भाग में, भी वन भी टू भी थ्री। अब तो यहाँ भी सबका एक समान है, ये कहेगा कि मेरा भी उतना ही है, ये कहेगा मेरा भी उतना ही है, ये कहेगा मेरा भी उतना ही है, तो बटा क्या भाई। तो यहाँ देख लीजिए साफ साफ दिख रहा होगा कि क्यू जो है वो तीन भाग में बट गया, क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री, अर्थात यह क्यू ही कितने भागों में बटा, तीन भागों में। इसी को हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो क्या यहाँ से ये कह सकते हैं क्या कि क्यू इक्वल टू C इंटू भी, कह सकते हैं Q इजक्वल टू सी इंटू भी। तो चलिए अब बात करते हैं तीनों कैपेसिटरों के लिए। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटर पहले के लिए तो C1 इजक्वल टू हो ये जाएगा कि यहाँ से हम निकालेंगे कि C1 इजक्वल टू Q1 अपान भी, क्या भी बदला है, नहीं Q बदला है। चलिए दूसरा ले लीजिए, तो दूसरा क्या हो जाएगा कि C2 इजक्वल टू Q2 अपान भी। तीसरा, तो तीसरा हो जाएगा C3 इजक्वल टू Q3 अपान भी। अब बताइए कि चूंकि हमें मान किसका चाहिए, तो मान हमें चाहिए जो है कि वो Q का। तो यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि Q1 इजक्वल टू C1 इंटू भी, Q2 इजक्वल टू C2 इंटू भी और Q3 इजक्वल टू C3 इंटू भी कह सकते हैं। अब तीनों को उठा करके समीकरण एक में रख दीजिए, तो रखेंगे तो फिर वही चीज़, तो यहाँ वो कितना जाएगा कि Q का मान कितना था, तो Q का मान था C इंटू भी इजक्वल टू Q1 के मान C1 इंटू भी, Q2 का मान C2 इंटू भी और Q3 का मान C3 इंटू भी। एवं इसमें क्या कामन है, तो सब में भी कामन है, तो भी कामन करके कटा दें, तो C इजक्वल टू C1 प्लस सी टू प्लस सी थ्री हो जाएगा, अर्थात ये है पैरेलल क्रम में संयोजन किसका, संधारित्र का। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा और शेयर भी करिएगा। ठीक है, बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।